इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब से नई हुकूमत आई है वो कोई फ़ैसले नहीं कर पाई है और उसको ये भी नहीं पता कि उसको आगे करना क्या है। उसने कोई अपना कोई प्रोग्राम नहीं दिया है, कोई अपना विजन नहीं दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है गैर यकीनी का जो एक माहौल पैदा हुआ है उसकी वजह यह है कि इनको पता नहीं है कि इसको किस तरह करना चाहिए। और अगर ये 6-5 महीने हो चुके हैं इनको आए हुए और अभी तक ये कुछ नहीं बताएं। एक मिनी बजट कर लिया, एक और चंद दिनों के अंदर आने वाला है। तो ये सबसे बड़ी जो फ़िज़ा जो कायम हुई है गैर यकीनी की, अनसर्टनटी की, इसकी वजह से सारी गड़बड़ है। और गड़बड़ ये है कि सब इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हिकमत अमली बनाई जाए, कोई अनाउंस हो जाए, कोई IMF की तरफ जाएँ या नहीं जाएँ या फ़ैसला कर लें, फिर वो आगे बढ़ेंगे। IMF के जाने के का मकसद ये होता है कि बहुत सारी शराइत माननी पड़ेंगी जो काफ़ी सख्त होंगी, लेकिन अब ये लग रहा है इन्होंने इतनी देर कर दी, बग़ैर सोचे समझे, कुछ किया नहीं उन्होंने। अब शायद इनको IMF के पास जाना पड़े और जिसे कहते हैं ना मुहावरतन कड़वी गोली जो है इन्हें खानी पड़ी। कड़वी दवाई है, ये खाएँगे पिएँगे, उससे कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो।